वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको मालूम ही है कि अपने अंग्रेजी साहित्य का अपने पाठ शुरू कर चुके हैं, इसके साथ जो हो चुके हैं, तो अपनी जो पिछली वीडियो में अपने एक पॉइंट थी टाइम एंड टाइम एंड, उसके बारे में हमने चर्चा की थी, उसके क्वेश्चन की चर्चा की थी, कौन से मेन मीनिंग है, उसके थीम क्या है, उसके बारे में अध्ययन किया था। तो वही पोइम अपने आगे करने जा रहे हैं। पोइम का नाम है टाइम एंड टाइम अगेन। तो इसका मैंने आपको थीम करा दी थी पिछली वीडियो में। थीम के अंदर ये पूरी पोइम का जो सारांश है वो आ चुका है, और ये पूरी पोइम कैसी आपको पता लग गया होगा। तो इस वीडियो में कुछ जो मेन लाइंस इस पोइम में हैं उसके अर्थ के बारे में अपने क्या है जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस पोइम में कुछ लाइंस आई है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि उस लाइन का अर्थ क्या है, उसका भावार्थ क्या है, कवि ने अपने विचारों किस प्रकार अपने पाठकों की ओर अग्रसर किया है। तो एक वर्ड आया इस पोइम के, जिग जिग स्काई। इसका मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा आसमान, ठीक है। तो जी स्काई का मतलब, इसका भावार्थ क्या है इस पोइम में, टेढ़े मेढ़े आसमान का मतलब क्या है, इसका मतलब है उतर रॉन्ग, उतर गलत, एंड कंफ्यूजिंग होता है, गलत फहमी पैदा करने वाली, एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या, ऑफ रिलीजियस होता है धर्म के नाम पर, धर्म पर, हैज बीन कॉल्ड जिगजैग स्काई, मतलब गलत और गलत फहमी पैदा करने वाली व्याख्याएं जो धर्म पर दी जाती है, उस व्याख्याओं को ही क्या है टेढ़ा मेढ़ा आसमान कहा जाता है। मतलब टेढ़ा मेढ़ा आसमान मतलब है कि जो धर्म के नाम पर लोग गलत और गलत फहमी पैदा करने वाली व्याख्याएं देते हैं, उन व्याख्याओं को अपन क्या है टेढ़ा मेढ़ा आसमान या जिगजैग स्काई कहा जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि जिगजैग स्काई मतलब क्या है। और पोइम में वर्ड हो रहा है सिटी टर्म एजोल्ड, इसका मतलब है कि जो कस्बे हैं वो पुराने प्रतीत क्यों हो रहे हैं, इस पोइम में जो कस्बे बताए गए हैं वो क्यों लगते हैं पुराने हैं, कारण क्या है, पुराने कस्बों की या पुराने टाइम की चर्चा क्यों की गई है, इसका मतलब क्या है, बिकॉज क्योंकि जो क्लॉक टावर, क्योंकि इस पोइम में क्लॉक टावर में घंटाघर की हमारी बात हुई है, वो घंटाघर थे वो पुराने शहरों में, कस्बों में, पुराने कस्बों में इसका क्या था संचालन था। तो वही बात है, बिकॉज क्योंकि क्लॉक टावर घंटाघर आर फाउंड पाए गए हैं, पाए जाते हैं इन सीरीज कस्बों में, कस्बों में स्टडी स्थित है एज ए लॉन्ग टाइम है, जो कि लंबे समय से स्थापित हुए थे, मतलब क्लॉक टावर है उन कस्बों में पाए जाते हैं जो लंबे टाइम से एस्टेब्लिश हुए थे, स्थापित हुए थे, इसलिए लग रहा है कि यहाँ जो सिटी वो क्या है ओल्ड है। तो एक आई अपने एक इसमें लाइन हो रही है, बहुत सुंदर लाइन है, विद द पीस ऑफ ब्रेक पार, पिछली पीढ़ी में लड़ाई का मतलब क्या है, पिछली पीढ़ी में क्या है लड़ाई का मतलब क्या है, द टर्म वेक क्वार पिछली में लड़ाई रेफरेंस क्या करती है टू ए क्वार लड़ाइयां डेट अक्यूर प्रकट होती है ऑन ट्रिवियल होता है छोटी मोटी, ट्रिवियल होता है छोटी मोटी, छोटी मोटी मैटर होता है बातचीत के कारण ड्यू टू रिलीजियस धर्म के नाम पर, यानी धर्म के नाम पर जो छोटी मोटी बातचीत होती है लड़ाई होती है उसे बेक क्वार बेक स्ट्रीट क्वार कहा जाता है, पिछली गली में लड़ाई बेक स्ट्रीट क्वार कहा जाता है, मतलब छोटी बातों में लड़ना धर्म के नाम पर लड़ना ही कहता है बेक स्ट्रीट क्वार कहलाता है। एक इसमें वर्ड आया है नॉक आउट क्लॉक टावर, ठीक है, टूटी फूटी घड़ियों से मतलब क्या है, टूटी फूटी घड़ियों का मतलब क्या है इस पोइम के अंदर, इट मीन्स मतलब है चोरी होता है अराजकता, अराजकता इट मीन्स समझो एक्यूरेट सिचुएशन ऑफ सोशल समाज में अराजकता की स्थिति, टेढ़ी मेढ़ी यानी घड़ियों का मतलब क्या है समाज में अराजकता की स्थिति। द टर्म डॉलर बीम, अब डॉलर बीम मतलब क्या है, डॉलर बीम संकेत आता, ठीक है, समझो संकेत आता का मतलब क्या है इस पॉइंट में, सन क्या चीज है मैं बताना है, तो इट मींस ए मिस इंटरप्रिटेशन होता है, गलत व्याख्या है,
मिस इंटरेस्ट होता क्या होता है, गलत ऑफ रिलीजन होता धर्म की, मेड बाय द रिलीजियस अथॉरिटी धार्मिक लोगों के द्वारा, यानी धर्म के बारे में धर्मी लोग जो गलत व्याख्या देते हैं, ठीक है ना, उसे कहते हैं डॉक्टर पी कहते हैं, दे प्रीच द पीपल, लोगों को क्या प्रीच होता है उपदेश देते हैं। इन देयर ओन वे अपने अनुसार, एज पर देयर ओन मटेरियल अपने समझ के अनुसार, मतलब कुछ लोग होते हैं वो धर्म गलत व्याख्या देते हैं, जो उनको समझ आता है वैसे वो क्या है आगे व्याख्या कर देते हैं, ये गलत व्याख्या धर्म यहाँ पर की जाने वाले गलत व्याख्या क्या है, इसलिए हमने क्या कहा था डोनर स्कीम कहते हैं, मतलब लाइन आई इस पर मैं ये ट्रम्प ट्रम्प डोनर स्कीम मतलब क्या है तो मैंने समझा दिया है, इसका मतलब ये कि जो कुछ लोग होते हैं ठीक है वो धर्म की गलत व्याख्या देते हैं, उनको समझ ही गलत आता है तो गलत व्याख्या देते हैं, तो ये चीज़ क्या है डोनर स्कीम्स कहलाती है। तो इस पॉइंट में बस आपको मैं नहीं बताया गया है कि घंटाघर की तुलना की गई है धर्म से, ठीक है, जिससे घंटाघर के अंदर क्या है थोड़ा टाइम डिफरेंस रहता है, इस प्रकार क्या धर्म के अंदर भी क्या है काफ़ी डिफरेंस जाती है, जो लोगों को समझ आता है वैसा लोग क्या है व्याख्या करते हैं उसको प्लीज कर देते हैं, तो अगर एक दो बार तो आप ढंग से क्या समझ आ जाएगा, हर मीनिंग हर लाइन समझ आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।